गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हरे कृष्णा। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 8। फर्स्ट क्वेश्चन इज एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। आपको इसमें एडिशन करना है, बट उससे पहले नियरेस्ट टेंस राउंड ऑफ करते हुए आपको एडिशन करना है। ओके, लेट्स सी सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज 45 प्लस 56। ओके, नाउ सी हाउ टू राइट इन अ सॉल्यूशन। 45 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस इक्वल्स टू 50। ठीक है, 45 का नियरेस्ट टेंस हम क्या राउंड ऑफ करेंगे, 50 को राउंड ऑफ करेंगे। ओके, एंड 56 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस इक्वल्स टू 60। और 56 का नियरेस्ट टेंस हम क्या राउंड ऑफ करेंगे, 60। नियरेस्ट टेंस हम प्रीवियस एक्सरसाइजेस में पढ़ चुके हैं ना, उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे भी करना है। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड सम ऑफ बोथ दिस नियरेस्ट टेंस। 50 प्लस 60 इक्वल्स टू 110। सो आवर आंसर इज 110। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 635 प्लस 425। ओके, 635 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस इक्वल्स टू 640 एंड 425 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस इक्वल्स टू 430। नाउ वी हैव टू ऐड बोथ ऑफ देम। 640 प्लस 430 इक्वल्स टू 1070। सो आवर सम इज आंसर इज 1070। नेक्स्ट क्वेश्चन 486 प्लस 36। सो 486 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस इज इक्वल्स टू 490 एंड 36 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस इक्वल्स टू 40। ओके, सो आवर सम इज 530। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। इसमें अब हमें सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, तीनों क्वेश्चंस में हमें सब्ट्रैक्शन करना है और इनके राउंडिंग नियरेस्ट टेंस राउंड ऑफ करके। ठीक है, लेट्स सी। 67 माइनस 18। ओके, 67 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। 67 का नियरेस्ट टेंस हम किसे राउंड ऑफ करेंगे, 70। एंड 18 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस, और 18 का नियरेस्ट टेंस किसे राउंड ऑफ करेंगे हम, 20। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट देम। ओके, सब्ट्रैक्ट करना या इनका डिफरेंस निकालना। क्या आएगा इनका डिफरेंस, 50। सो आवर आंसर इज 50। नेक्स्ट क्वेश्चन 356 माइनस 215। सो 356 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस 360 एंड 250 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस 220। नाउ subtract them, 140. Our answer is 140. Next question, 687 minus 38. 687 rounded off to the nearest tens equals to 690 and 38 rounded off to the nearest tens is equals to 40. Now find difference. Okay, 690 minus 40 equals to 650. So our answer is 650. Next question, estimate the sum of 725 and 836 by rounding off to the nearest hundreds. अब आपको इन दोनों के nearest hundreds find करके इनका sum निकालना है। ठीक है, अभी तक हमने nearest tens find किए थे, now nearest hundreds. Okay, 725 plus 836. 725 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100। अब 725 के लिए नियरेस्ट 100 किसे राउंड ऑफ करेंगे हम, 700 को। एंड 836 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100, और 836 के लिए किसे राउंड ऑफ करेंगे हम नियरेस्ट 100 में, 800 को। देयर सम, अब उनका सम बोला है हमें निकालने को, उनका सम क्या होगा, 1500। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एस्टिमेट द डिफरेंस ऑफ 956 एंड 481 बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100। अब इसमें भी आपको नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करते हुए इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, मतलब इन्हें माइनस करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। 956 माइनस 481, 956 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100। अब 956 के लिए हम नियरेस्ट 100 किसको राउंड ऑफ करेंगे, 1000। एंड 481 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100, 481 के लिए नियरेस्ट 100 क्या आएगा, 500। सो दे आर डिफरेंस, अब हमें इनका डिफरेंस निकालना है। सो 1000 माइनस 500 इक्वल्स टू
500. So our answer is 500. Okay students, now write this whole exercise in your maths fair copy. Have a great day.